ऐसा क्यों कर्णपुत्र, ऐसा क्यों किया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? दुर्गम के प्राण संकट में थे पिताश्री। किंतु तुम्हें ऐसा साहस करना उचित नहीं था कर्णपुत्र। प्राताश्री का है सुषेण। कौन है ये तेरा पुत्र? किस देवता का प्रसाद है? ऐसा दिव्य बालक मैंने सारे संसार में नहीं देखा। ये क्या है आदिरथ सुषेण? ये कैसा रथ है? कहा था ना मैंने, ये दिव्य रथ है। आपने देखा किस प्रकार एक 7 वर्षीय बालक इस रथ में बैठकर महान रथी बन गया। ये इस दिव्य रथ का ही प्रताप है, अन्यथा इस बालक में क्या शक्ति। ये दिव्य रथ मुझे दे दीजिए महाराज, मैं कल प्रातः काल ही आकर 100 मुद्राएं आपको दे जाऊंगा। समय पर अधिकार है तुम्हारा है? कल का प्रातः काल तुमने आज ही देख लिया? नहीं बस, ज्ञान ज्ञान और दान कल पर नहीं टाले जाते। चलो चलो, हम आज ही तुम्हारे हाथों दान स्वीकार कर लेते हैं। राधा, तुम इन दोनों बच्चों को लेकर घर जाओ। उन्हें दे दो, उनका क्रोध कम हो जाएगा। राधा आई।
राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, इसकी माता मेरी पत्नी थी, मेरी दूसरी पत्नी। तुम साथ चल सकती हो, किंतु तुम्हें कर्ण को अपना पुत्र कहना होगा। अधिराज? हाँ भ्राताश्री। राधा कहाँ है? राधा? राधा भ्राताश्री यहाँ है। आज ये धन प्राप्त हुआ है तुम्हारे पुत्र कर्ण के कारण। अद्भुत बालक है राधा, ऐसा दिव्य बालक पाकर तुम धन्य हो गई हो। वास्तव में चमत्कारी है कर्ण। अवश्य, उसका जन्म ही मेरे लिए एक चमत्कार रहा है। होगा ही, अवश्य होगा। लोगों को पता ही नहीं चला कि रथ की दिव्यता कर्ण के कारण थी। रखो इसे अधिरथ, इस धन पर कर्ण का अधिकार है। रख लो इसे, दोनों बालकों की गुरु दक्षिणा के रूप में रखो। रखो। हम ये धन स्वीकार नहीं कर सकते जेठ जी। कर्ण को पालना ही मेरी जीवन की एक पीड़ा है और इस पीड़ा को कम करने कोई इच्छा नहीं है मुझे। ये क्या कह रही है तुम्हारी पत्नी सुषेण? पादर्शी, आप जिस प्रकार धन कमाते हैं वो दूषित है। ये समाज दूषित है सुषेण, दुष्ट है। इसलिए तो मैं मूर्ख बना था। हाँ, हूं मैं तो हूं, किंतु ये वो कारण नहीं जिसके लिए तुम्हारी पत्नी ये धन नहीं ले रही। यदि ये कार्य कर्ण नहीं शून्य किया होता और मैं ये धन तुम्हें देता तो तुम अवश्य लेती। हाँ, अवश्य स्वीकार करती, किंतु इस धन का स्वीकार मुझसे नहीं होगा जेठ जी, क्षमा कीजिए। अंधा नहीं मैं, देख रहा हूं। राधा सोन और कर्ण के बीच भेद करती है। कोई गहन रहस्य छुपा है तुम्हारे परिवार में। ऐसा कुछ नहीं राधाश्री। रहस्य यदि है तो इस परिवार में नहीं, कहीं बाहर से आया है। तात्पर्य? तात्पर्य ये। मौन रहो राधा। रहस्य बाहर से आया है? क्या रहस्य? अधीरथ, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं, प्रश्न पूछने का अधिकार है मुझे, किंतु उत्तर देने का अधिकार नहीं है मुझे भ्राताश्री। क्षमा कीजिएगा। तो फिर अपनी पत्नी का व्यवहार ठीक करवाओ सुषे। ऐसा दिव्य बालक माता का प्रेम प्राप्त नहीं करेगा तो फूल की भांति कुबला जाएगा। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है किंतु मृग उसे जान नहीं पाता।
ऐसे ही राधा स्वयं अपने पुत्र की महानता को नहीं पहचानती। मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है उसी के कारण मृग के प्राण जाते हैं, जेठ जी प्राण जाते हैं, जेठ जी प्राण जाते हैं। और उसी कस्तूरी की गंध मृग को विचलित करके दौड़ाती है। ऐसे कस्तूरी से मृग कैसे प्रेम कर सकता है जेठ जी? मैं इसे प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।